दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूँ तत्काल टाइम में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कछुआ है और कछुआ और खरगोश की कहानी के आधार पर एक कहानी बड़ी चलती है। हम कहानी का जिक्र बाद में करेंगे। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो श्री श्री गौड़ समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आज हम उनसे बात कर रहे हैं समाज में ज्वलंत सवालों पर। आपके स्क्रीन पर अब आ रहे हैं धीरज दुबे जी। धीरज जी, इस बातचीत में आपका स्वागत है। और अभी हमने हमारे दर्शकों को आपके यहाँ की कछुआ बताया और खरगोश की कहानी हम आपसे भी जिक्र करेंगे कि श्री श्री गौड़ समाज कहाँ खरगोश बन गया और कहाँ कछुआ रह गया, इस पे हमारी चर्चा चलेगी। फिलहाल पहला सवाल यही कि पिछले दिनों व्हाट्सएप पे बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि इंदौर में समाज का नेतृत्व कोई नहीं कर पा रहा है, समाज विहीन नेतृत्व चल रहा है। आप क्या समझते हैं, इस बात में कितना दम है और इसके लिए क्या होना चाहिए? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि अभी समाज जो है कुल मिला के 23-24 संगठन और संस्था ट्रस्ट होने के बावजूद भी मतलब एक ऐसी स्थिति में है कि नेतृत्व विहीन हो गया है। इस पे किसी भी उस समाजजन पे या किसी भी सामाजिक संस्था पे किसी का भी कुछ भी कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, जब हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि केंद्रीकृत नेतृत्व को बनाना पड़ेगा, इस केंद्रीकृत नेतृत्व से आप लोगों का तात्पर्य क्या होता है? आप प्रदेश लेवल पर बॉडी बनाना चाहते हैं या सिर्फ इंदौर लेवल पर नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं? वैसे तो क्या, मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो एकमात्र इंदौर जिला ही ऐसा है जिसमें कि सबसे अधिक सामाजिक संगठन है। जी, तो अपन इंदौर की ही बात करेंगे। मध्य प्रदेश और प्रदेश स्तर पे इसका कोई औचित्य नहीं है। जी, तो यहाँ पे तो केंद्रीय समिति का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि अभी जिसकी अलग अलग संगठन अपने अपने बायलाज और अपने अपने नियम अनुसार और अपनी अपनी योजना अनुसार अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो बाढ़ सी आ गई है। जी, समाज की जो मूल भावनाएँ हैं, मूल उद्देश्य हैं, वो तो गौण हो गए हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और जितनी भी सामाजिक संस्था है, ऐसा चलन हो गया है कि मतलब आप रुपया दो और अपना सम्मान प्राप्त करो। मतलब ये जो चीज़ें जा रही है समाज में, ये समाज को गर्त की ओर ले जा रही है। मूल मुद्दे पे किसी का मतलब जिसको बोलते हैं अपन कि क्या बोलेंगे अपन, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य करते हुए दायित्व, इन सबसे तो मतलब ऐसा लगता है कि किसी भी सामाजिक संगठन का कोई लेना देना ही नहीं है। जी जी जी, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आपने 22-23 संगठनों का जिक्र करा है। श्री श्री गौड़ समाज वह समाज है जो कि कश्मीर से चला है, महामना के आदर्शों पे चला है, जिनने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, देश में उनका नाम था। इंदौर की स्थापना में इंदौर इस समाज का महत्व है। आज 300 साल का इंदौर है, लेकिन श्री गौड़ समाज के ठोर ठिकाने अभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये 23 संगठन जो आप बता रहे हैं, इनका क्या योगदान है आज तक? निश्चित ही श्री गौड़ समाज का उत्पत्ति कश्मीर से ही हुई है और कश्मीर पंडित ही पुराने समय बोला जाता था कि वहाँ से ही आए हैं श्री गौड़। और निश्चित रूप से ही श्री गौड़ समाज में श्री गौड़ जो लगा है उसमें दो बार श्री लगता है, श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज। जी, तो इस श्री लगने के कारण इसमें जितने भी ब्राह्मण वो हैं तो प्राथमिक रूप से इसका नाम लिया जाता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पर अगर अपन समाज की उन्नति की, समाज की और दूसरे अन्य समाज से इसका तुलना करते हैं तो अपने समाज को सबसे आखिरी पंक्ति में पाते हैं। आखिरी पंक्ति में ये समाज क्यों आया? जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमने इसलिए खरगोश और कछुए की बात करी थी, हम ये मुद्दा दर्शकों पे छोड़ देते हैं जो श्री श्री गौड़ समाज के दर्शक और समाजजन देख रहे हैं कि वो इस आधुनिक काल में क्यों कछुए बन गए या खरगोश बन गए, वो तय करेंगे। धीरज जी, हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं, आप प्रवक्ता भी हैं, आप राजनीति में भी हैं, आप पत्रकार भी हैं, श्री श्री गौड़ समाज का केंद्रीय नेतृत्व का कोई ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, कछुए और खरगोश की ही ये दौड़ है। मतलब एक सामाजिक संगठन के नित्य नए जो जन्म हो रहे हैं उस हिसाब से तो समाज ये बिल्कुल खरगोश की दौड़ में है
और खरगोश में एक चीज़ और थी जो अहम की, उनने सोचा कि मैं उससे तेज़ दौड़ता हूँ, तो वो वाकई में उनसे तेज़ दौड़ने के चक्कर में अहम का जो उनने जन्म लिया तो उसकी उसी भावना से खरगोश पिछड़ गया। और इसी तरह समाज की स्थिति है कि समाज में जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जितने भी इनके पदाधिकारी और अध्यक्ष हैं, ये सब अपने अहम में, अपने गरूर में और अपने पद मोह में इन्होंने समाज को पीछे धकेल दिया। इनको मूल उद्देश्य सिर्फ ये रह गया कि मैं इस पद पे रहूं, मेरे को समाज जन में इधर से निकलूं तो चार जने मेरे को नमस्कार करें और मेरी इज्जत बनी रहे, इसी बस। इससे आगे कभी कोई भी समाज का संगठन और सामाजिक ये नेता हैं या इनको कुछ भी अपन कह लें तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए इस बात तो से। एक प्रकार से आप कहना चाह रहे हैं कि हम सब लोग कुएं के मेंढक के समान हो रहे हैं जो किसी दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। धीरज दुबे जो खुले दिमाग के, खुले विचार के हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार इस कोरोना संकट काल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यह मुद्दा केंद्रीय बॉडी का जो उनके दिमाग में आता है उसके लिए हमने फिर पूछा कि आपसे कुछ दिमाग में आपका ब्लूप्रिंट है या समाज के उन संगठनों को आप कैसे मनाएंगे। ब्लूप्रिंट तो मतलब बिल्कुल सरल शब्दों में मैं कहूँ तो जितने भी अन्य जैसे जैन समाज ले लें, माहेश्वरी समाज ले लें, ये मतलब उन्नति की चरम सीमा पे पहुँचना है। इसका एक मूल उद्देश्य है कि इनके पास में दान भी खूब आता है और ये भरपूर दान देते भी हैं। उसका मात्र कारण है कि इनमें यहाँ पे कुछ संगठनों की और समाज इसमें संस्थाओं की बाढ़ नहीं है, वहाँ पे एकमात्र एक ही उसमें चलने वाले ये लोग हैं। और इसीलिए यहाँ पे अपना जो श्री गौड़ समाज का जो पिछड़ने का कारण है वो भी इसीलिए कि इतने सारे संगठन सामाजिक होने के कारण दानदाता भी, ऐसी बात नहीं कि श्री गौड़ समाज में दानदाता नहीं है, दानदाता भी बहुत है, चाहते भी हैं वो कि खूब दान दें, पर उनमें क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने कोई ना कोई समाज संगठन उनके द्वार पर पहुँच जाता है चंदा लेने के लिए। वो भी उनको भी एक सोचने में आता है कि हम किस किस को दें और इसका आखिरकार लाभ क्या। आज आप देख रहे हैं कि इतने कोरोना के विकट संकट काल में एक भी सामाजिक संगठन आगे नहीं आया, जबकि हमारे चार पांच जो संगठन में अच्छा फंडिंग है, पेड़ी में खर्च करने के लिए निर्वाचन कर्मचारियों को, निर्वाचन टीम को देने के लिए इनके पास में पैसा है, दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करने के लिए इनके पास में पैसा है, पर ऐसी आपात स्थिति में करने के लिए इनको जो ज़रूरतमंद सदस्य हैं उनके लिए इनके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है। आज ये इतनी साल में कम से कम देखा जाए तो समाज में 25-30 कार्यक्रम होते हैं अलग अलग सामाजिक संगठनों जी, और अगर ये इतना, मेरे ख्याल से 100 साल में मैंने तो मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा विकट समय देखा है, तो इसमें तो इन कम से कम ये चार पांच जो संगठन है अपने इसमें, जैसे पेड़ी है समाज के हमारे श्री गौड़ की, और दूसरा महासभा है जो महेश त्रिवेदी देखते हैं, तीसरी एक सामाजिक पंचायत है जो जेपी नाइक जी देखते हैं, और नीचे हमारी मात्र संस्था है श्री गौड़ विद्या मंदिर जो मनोज जोशी जी वो देखते हैं, और ये आपस में इतने भी संगठन बनने में इनमें जो पदाधिकारी हैं सब एक दूसरे से, एक दूसरे के तरफ मिक्सिंग हैं, मतलब कहने को मिला के कुल मिला के वो चेहरे वो के वही हैं, बस उनके नाम और संगठन बदल गए हैं। मतलब तो इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं बन पा रहा है, इसलिए श्री श्री गौड़ समाज जो है गर्त में जा रहा है। इतना सा भी समन्वय नहीं है, इतना सा भी तालमेल नहीं है आपस में, और ये कभी भी चाहते ही नहीं है कि एक होए, क्योंकि ये समाज के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। इनमें जिस दिन समाज की समर्पण की भावना किसी भी संगठन में नहीं है, अगर समाज समर्पण की मात्र भावना हो, जिनके पास में त्याग हो, समर्पण हो समाज के प्रति, तो सब तालमेल संभव है। यहाँ तो उसका कहीं से कहीं तक नामो निशान ही नहीं दिखाई देता। अभी आपने दो तीन संस्थाओं का जिक्र करा जो मुझे याद पड़ता है, श्री गौड़ विद्या मंदिर जो पेड़ी है शायद 80-70 साल पुरानी है, आपने सामाजिक पंचायत की बात करी मध्य प्रदेश को ताल्लुक रखती है, और दो तीन संगठनों की बात करी है। ये संगठन किस उद्देश्य से बने थे और आज इनकी स्थिति क्या है, ये क्या अपने उद्देश्य से सफल नहीं हो पा रहे हैं? मैंने बताया ना आपको, इनके बायलाज उठा के देखें तो इनके ये कर्तव्य और दायित्व से, तो इन्होंने बायलाज से इन दोनों शब्दों को हटा ही दिया है जी। इन्होंने तो मात्र सिर्फ एक, जो मैंने बोला आपको कि ये मंचासीन है, सिर्फ मंच पे दिखाई देने वाले वो हैं, और ये आमंत्रित भी सम्मान भी उन्हीं का करते हैं जो इनको रुपया देता है जी। तो ये चीज़ें बदलना चाहिए। कुल जमा हम ये देख पा रहे हैं कि श्री श्री गौड़ समाज में बुद्धिजीवी है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, नेता है, पत्रकार है, बावजूद इसके इस संकट काल में एक केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं होने के कारण समाज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। धीरज दुबे जी क्या सोचते हैं कि
ये लाभ आने का समय कब तक चलेगा, कोई अच्छा अवसर आएगा समाज के लिए? नहीं, समाज के लिए अब देखिए अभी जो चल रहा है ये कोरोना ने, इसमें बहुत अच्छा मदद समाज को करी है। मैं तो यूँ कहूँगा कि इस विकट काल में सब लोगों को इन्होंने जो लॉकडाउन में और घर में रहने का जो अवसर दिया है, उससे एक चीज़ सामने आई है कि सबके आपस में जो कम्युनिकेशन हुआ और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप पे जो चली है आपस में बहस चर्चा, और उस पर एक ही चीज़ निचोड़ के आई है कि हर समाज जन चाहता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व आवश्यक हो गया है और उसको लागू करना ही पड़ेगा। ये हर समाज जन की अब इच्छा जागृत हो गई है। क्या धीरज दुबे जी के दिमाग में कोई ऐसा नाम है जिसको वो चाहते हो, या वो नाम ऐसा कि जो केंद्रीय कमेटी के हेड बन सकते हैं या नेतृत्व कर सकते हैं? नाम तो देखिए होगा तो इसमें अब सबसे बड़ी चीज जो है ब्राह्मणों को संगठित होना मतलब मेंढक तोलने के समान है। तो ये कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं होता है। जी जी, मैं अगर किसी का नाम लूँगा तो निश्चित रूप से चार लोग दूसरे सोचेंगे कि ये इनका नाम क्यों लिया और मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो ये जो मूल भावना, मैं बार बार आपको मूल भावना की बात कर रहा हूँ, वो टकराती है आपस में, वो उनको कि जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ इनका वो कर दिया होगा इसलिए इन्होंने नाम लिया। तो इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसका ओपन चुनाव हो, सारे समाज जन कोई किसी का सदस्य नहीं, जैसे ये सदस्य बनाया है इनने सारी संस्थाओं ने, ट्रस्टों ने और संगठन ने, यहाँ पे एक चुनाव ऐसा हो कि जिसमें हर एक समाज बंधु को अपना वोट डालने का अधिकार हो, वही केंद्रीय नेतृत्व चुने और उनके गुण दोषों के आधार पर ही किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए हम एक थोड़ा सा, और इसमें एक चीज और है कि अगर इसमें केंद्रीय समिति के अध्यक्ष में अगर एक फंडिंग के आधार पर बनाया जाए तो ये समाज के लिए बहुत ही बेहतर होगा। जो जिसे 11 लाख 25 लाख या जो भी कुछ इसमें दे सकता है वो उसको निश्चित रूप से समाज अध्यक्ष बनाए, और बाकी जितने भी दानदाता वो भी केंद्रीय समिति में ही दान दें और उनको ही ये आगे बढ़ाएं। उससे ही एक आपातकाल कोच बनाया जाए जिसमें कि ऐसी स्थितियां अगर आपातकाल की बनती हैं तो उसमें ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके, यही एक। चलिए मैं बातचीत में थोड़ा मोटा मोटा आपने ब्लू प्रिंट जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था थोड़ा सा एक आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है। एक छोटा सा चलते चलते आखिरी सवाल, यदि समाज तय करता है, नेतृत्व करता है कि साहब धीरज दुबे जी हमारा नेतृत्व करेंगे, तो धीरज दुबे जी की समाज के सर्वा सर्वा होने के नाते क्या प्राथमिकता रहेगी, कैसे काम करेंगे? देखिए मैं बोलूँगा तो बड़े बोल होंगे पर फिर भी मैं इतना आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं मुझे ये चुनने का अवसर देते हैं समाज जन और समाज बंधु, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि समाज जो 80 सालों से उन्नति और ये प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, मैं 3 साल के अंदर समाज की काया पलट के रखने की क्षमता रखता हूँ। तो दोस्तों ये थे धीरज दुबे जी, जिन्होंने बेबाक अपने तरीके से विचार व्यक्त कर रहे हैं, और चलते चलते फिर मैं आपको वही दिखा रहा हूँ इनके निवास पे जो कछुआ और खरगोश के खाने का जिक्र करा था। अब श्री श्री गौर समाज को तय करना है कि वो कछुआ बनता है या खरगोश बनता है, लेकिन समाज सेवा कार्य में यदि उनको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ रास्ता तय करना पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।